नमस्कार सभी को। और ये वीडियो कुछ डिफरेंट होने वाला है, मतलब मेरा ब्लॉगिंग से लगभग पूरा दूर ही है। और ये वीडियो में मैं कुछ अलग कैसे, मतलब हो सकता है कि वो एडुकेशन के बारे में है, मतलब हम लोग का स्टेट का अलग अलग जगह में अलग अलग एडुकेशन होता है, वो सभी को पता है। लाइक यहाँ का जो त्रिपुरा का है, त्रिपुरा का मतलब जो स्कूल, जितना भी स्कूल है मैक्सिमम स्कूल फ्री है, जो हर एक स्कूल में होना चाहिए एक्चुअली। और जैसे कि हम लोग का मेघालय में गवर्नमेंट स्कूल का भी फीस लिया जाता है, जैसे कि आप सभी को पता है। और प्राइवेट का तो अलग ही है, प्राइवेट का बहुत ज़्यादा ही लिया जाता है। बट ये सारे चीज़ कहीं ना कहीं पर, मतलब बच्चे लोग को जो जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम में चल रहा है, जैसे कि बहुत सारा लोग है जैसे कि वो लोग फीस का वजह से स्कूल में जा नहीं पा रहे। जैसे यहाँ का तो ठीक है भाई, यहाँ पर सब जा सकते हैं, उन लोग का मर्ज़ी और नाम। उन लोग का अलग अलग जगह का अलग अलग एडुकेशन होता है, मैंने बता दिया। बट यहाँ का भाई कुछ स्पेशल अलग ही है, मतलब सभी स्कूल का यहाँ पर फ्री है। तो लगभग सभी स्कूल, मतलब सभी जगह में होना चाहिए। इंडिया में तो स्पेशली बहुत सारा जगह में है भी नहीं हुई है। तो मेरा यह कहने का मोटिव है कि जितना हो सके, अगर गवर्नमेंट पार्टी अगर बाई चांस देख भी लिया होगा, तो उन लोग से रिक्वेस्ट है कि लगभग सारे स्कूल में सभी बच्चे को फ्री कर दो। फ्री करने से एक्चुअली होगा क्या, प्राइवेट स्कूल छोड़ के, क्योंकि उन लोगों को भी तो पैसा चाहिए होगा कहाँ से, कहीं से ना कहीं से। तो गवर्नमेंट स्कूल का भाई कुछ अलग ही फंड है भाई। कल जो मैंने आर्टिकल देखा ना, वो आर्टिकल देख के भाई दिल में छू गया पूरा। मतलब पर ईयर उन लोगों का एनुअल फीस खाली 12 से 10 रुपया है। सोच रहे हो, 12 से 10, मतलब एक साल का। कमाल का आर्टिकल पढ़ा है, मैं ढाल दूंगा यहाँ पर, देख लेना आपसे भी। और क्या बताऊँ एडुकेशन के बारे में। एक्चुअली देखो, एडुकेशन आजकल बहुत डिफ़िकल्ट हो चुका है, जितना पढ़ो पढ़ाई ख़त्म होगा ही नहीं। पहले के ज़माने में क्या था कि आदमी लोग जो था वो लोग क्लास 10 तक पढ़ने से भी उन लोग का इनफ था, मतलब कुछ ना कुछ मिल जाता था। लेकिन आजकल क्लास 10-12 पास उन लोग को भी कुछ दिखाई भी नहीं देता, सभी को चाहिए ग्रेजुएट। अगर आप ग्रेजुएट हो तो अभी आपको ही नौकरी मिलेगी, और ग्रेजुएट नहीं हो तो भाई ऐसे वल्ला बैठे रहो, ऐसे हम लोग है। पता नहीं ये वीडियो कितने को पसंद आएगा कितने को नहीं, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, बट जितना हो सके इतना। और मेरे को भी एक्चुअली पता नहीं है कि यहाँ का एडुकेशन सिस्टम इतना चीप क्यों है, मतलब अच्छा ही है चीप होके, बट मेरे को उसका कारण पता नहीं है। तो उसका कारण का वजह से मैं और उसका डिटेल्स में जा नहीं पाऊँगा, क्योंकि देखो अगर मैं डिटेल्स में गया, मतलब बहुत कुछ उसके निकल के आया कि हाँ हम लोग का स्टेट में अलग, मतलब जैसे मेघालय में अलग अलग स्टेट का अलग अलग चीज़ होता है, ऐसे त्रिपुरा का अलग अलग होता है। त्रिपुरा का तो एक लगभग लो बजट है एकदम, मतलब सारे बच्चे जितना मंथली जैसा हम लोग नेट पैक भरते हैं 230 रुपया का, उन लोग का ईयरली फीस है स्कूल का। सोचो कहाँ से कहाँ चला गया भाई, एकदम करकदार है। और देखो मेरे को इतना नॉलेज नहीं है कि मैं एडुकेशन के बारे में आप सभी को बता पाऊँ, तो जितना हो सके इतना मैं बताऊँगा। सो डोंट माइंड अगर कुछ बुरा बड़ा बोल दिया मैंने, तो भाई माफ़ कर देना, गलती हो जाता है भाई, गलती इंसान से ही होता है, गलती मेरे से भी हो गया। और क्या बोलूँ, और क्या टॉपिक है इसमें। हाँ लाइक आजकल लोग जितने भी पढ़े, मतलब जितना ग्रेजुएशन हो जाता है, उन लोग जितने भी ग्रेजुएट हो जाते हैं, उनका नौकरी ना के बराबर होता है, इसलिए लोग स्टार्टअप कर लेते हैं। और स्टार्टअप में बहुत सारा लोग फेल हो जाते हैं, जैसे मेरा हुआ है। उसका कुछ मैं दूसरा वीडियो में कुछ बना के बोल दूँगा कि कैसा हुआ, कैसा स्टार्टअप करे, कैसा ना करे, किस तरह से करे और किस तरह से ना, वो सब नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो तब तक के लिए पीस आउट। होप सो ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगे, छोटा है बट थोड़ा बहुत नॉलेज इसमें भी हो सकता है कि अलग अलग स्टेट का अलग अलग, मतलब स्कूल फीस है, और स्पेशली इन लोगों का बुक्स सब कुछ फ्री है, जो कॉपी होता है वो फ्री है, स्कूल से पेन फ्री है, मिड डे मील एकदम फ्री, मिड डे मील तो ऐसे ही फ्री होता है। और क्या बोलूँ, हाँ और एक बात बताना भूल गया कि यहाँ का स्टूडेंट, जितना भी स्टूडेंट है, उन लोग का पर ईयर 2 से 3 हज़ार रुपया उन लोग का बैंक अकाउंट में ऐसे ही चला जाता है, मतलब गवर्नमेंट का थ्रू उन लोग
मिलते हैं, बट वो बहुत बहुत अच्छा है भाई। जैसे कि उन लोग को स्कॉलरशिप भी नीचे होगा, जैसे हम लोग का प्राइवेट स्कूल में जैसे स्कॉलरशिप कोई को बहुत सारे लोग है कि स्कॉलरशिप ढूंढते रहते हैं यहाँ पर वहाँ पर वहाँ पर, बहुत सारे लोगों को मिलता ही नहीं है, यहाँ का वो टेंशन है ही नहीं। बहुत कमाल का स्कूल है भाई, स्कूल यहाँ का स्कूल जो भी बोलो सब कुछ चीप में मिल जाएगा आपको, वो चीज़ मेरे को बहुत पसंद आया। और एक प्लस पॉइंट, मतलब जो भी उन लोग का स्कूल का यूनिफॉर्म से ले, यूनिफॉर्म उन लोग का खुद ख़रीदना पड़ता है, यूनिफॉर्म से ले यूनिफॉर्म छोड़ के बुक्स पेन और फिर किताबें वगैरह वो सब टोटली फ्री है सोचो। और ऊपर से उन लोग का राशन, जो स्कूल से राशन उशन मिलता है ना, वो सब खाना वगैरह चीज़ वो भी टोटली फ्री में देते हैं। और क्या चाहिए भाई, ये सब दे रहे हो, थैंक यू सो मच एजुकेशन मिनिस्टर को। और बस इतना, थैंक यू सो मच ये वीडियो के लिए, तब तक के लिए पीस आउट, देखते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। होप सो आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे।